दी बैटल ऑफ सरायघाट, जहां मुगल्स की सबसे बड़ी हार हुई थी, वो भी एक छोटे अहोम राज्य से, जहां औरंगजेब के पास थी 70,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स, वहीं अहोम राज्य के पास थे सिर्फ 20,000 सेना। पर इसके बावजूद अहोम ये जंग जीत जाती है। उनका प्लान बहुत सिंपल सा था, इतनी बड़ी सेना को गुवाहाटी पहुंचने के लिए बस दो ही रास्ते थे, पहला असम की वैली से होते हुए, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी को सेल करके। ऊपर से मुगल्स की जो नेवी थी वो बहुत इनएक्सपीरियंस थी, मतलब अहोम को खतरा सिर्फ लैंड अटैक से था, तो उनकी रणनीति के हिसाब से उन्होंने लैंड रूट को ब्लॉक कर दिया और ब्रह्मपुत्र नदी में घाट लगा दी। इस मास्टर प्लान की वजह से मुगलों की आधी सेना वैली में और आधी नदी में ही मारी गई, एंड दिस इज हाउ अहोम विन द वॉर।